नगाड़ा बच चुका है, अब इसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। सर आज यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और तमाम लोग यहाँ पर? ये एक बहुत ही पवित्र मांग के लिए उठे हैं कि जो नया संसद भवन बन रहा है उस संसद भवन का नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को होना चाहिए, ताकि जो संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश हो रही है उसको एक मुंहतोड़ बड़ा उत्तर दिया जाए। सत्ता में तमाम लोग जो है इतने पावरफुल है, क्या आप लोग एकजुट होकर ये कर पाएंगे, ये कदम उठा पाएंगे? जनता की आवाज को कोई नकार नहीं सकता। अंग्रेजों के राज में सूरज अस्त नहीं होता था, लेकिन जब जनता की आवाज बुलंद होगी तो इसीलिए कहा है कि जो जनता की आवाज है वो खुदा का नकारा है। तो ये नगाड़ा बज चुका है, अब इसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हाँ, सारे पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, ये हम क्या संभव है वो सब देखेंगे, लेकिन इन्होंने चीजें नष्ट कर दी हैं। हम कांग्रेस के आने का अर्थ, संभावना का अर्थ ही है कि इनकी बिक्री बंद हो जाएगी, आगे बिक्री बंद हो जाएगी। ये तो चुन चुन करके सब बंद कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ थे हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। तो तमाम लोग यहाँ एकजुट हुए और यहाँ पर हरीश रावत जी भी आए। तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं दावे वादे करते हैं और जो सारे सेक्टर्स को प्राइवेट कर दिया गया है, आज यहाँ एकजुट होकर इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ पर तमाम जो है चर्चा की जा रही है और इसे मनवाने के लिए सत्ता के सामने ऐसे ही डटकर खड़े रहेंगे, इसीलिए यहाँ पर आज तमाम लोग एकजुट हुए हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, रामलीला मैदान, दिल्ली।